हाय, मैं हूँ रुंजुन सीजन विद सॉल्ट से। आज मैं बहुत ही टेस्टी मैंगो बर्फी की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैंगो बर्फी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैंगो प्यूरी। ये केसर आम का प्यूरी है, आप अपने पसंद का कोई भी आम यूज़ कर सकते हैं। फिर ये है 1 कप मिल्क पाउडर, 1 कप शक्कर और थोड़ा सा नमक। मैंगो प्यूरी जितना भी ले उसके आधे क्वांटिटी में मिल्क पाउडर और शक्कर ले। सबसे पहले कढ़ाई में मैंगो प्यूरी डालें। मैंगो प्यूरी को हमें लो फ्लेम पर रिड्यूस कर लेना है। अगर आप इसे लगातार चलाने वाले हो तो ही गैस का फ्लेम हाई करें, नहीं तो ये नीचे जल सकता है। हाई फ्लेम पर ये काफी बबल होके उड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान से चलाएं। इस रेसिपी में सबसे ज्यादा टाइम इसी स्टेप में लगता है, पर इसमें जल्दबाजी ना करें। जब तक प्यूरी ढीली है तभी इसमें चुटकी भर नमक डाल दे। नमक की वजह से बर्फी का टेस्ट और भी उभर के आएगा। प्यूरी को काफी गाढ़ा होने तक पकाना है। आप देख सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी भी कम हो गई है और ये काफी गाढ़ा होने लगा है। इसे और थोड़ी देर चला लेंगे। अब ये इतना गाढ़ा हो गया है कि जब हम प्यूरी कढ़ाई के साइड में करते हैं तो वो वहीं पे रहती है। तो जब मैंगो प्यूरी इस कंसिस्टेंसी पे पहुंच जाए तो गैस ऑफ कर दे और इसे ठंडा होने तक चलाते रहे। ये अब हाथ लगाने पे बिल्कुल भी गर्म नहीं है। तो अब इसमें मिल्क पाउडर डाल दे। इसे पूरी तरह से मिक्स कर ले। ये मैंगो का मिक्सचर 1 कप से थोड़ा ज्यादा बन गया है। अब कढ़ाई में शक्कर डालें, फिर उसमें 1/4 कप पानी डालें। शुगर को पूरी तरह डिसॉल्व होने दें। चाशनी उबलने लगी है, दो ड्रॉप चाशनी एक बाउल में निकालेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने पर चेक करके देखेंगे। ये काफी चिपचिपी चाशनी बन गई है, तो अब इसमें मैंगो का मिक्सचर डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। ये पूरा मिक्सचर स्मूथ बन जाने के बाद इसे 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कंटिन्यूअसली चलाते हुए उबाल ले। अब ये फिर से काफी गाढ़ा हो गया है, तो अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी और इसे चलाते हुए ठंडा कर लूंगी। अब ये बिल्कुल भी गर्म नहीं रहा। आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी गाढ़ी है। अब मैं इसे एक ग्रीस किए हुए डब्बे में डाल दूंगी और फिर इवनली स्प्रेड कर लूंगी।
इसे रूम टेम्परेचर पे कम से कम पूरे एक दिन के लिए हम सेट होने देंगे। एक दिन के बाद इसे चेक करेंगे। बर्फी काफी फर्म हो गई है। मैं इसे चाकू के मदद से काट लूंगी। काटने से पहले मैंने चाकू पे घी लगा लिया था। अब मैं इसे स्क्वायर्स में कट कर लूंगी। बर्फी के पीसेस को एक प्लेट में रख ले। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे क्लीन पीसेस बन गए हैं। आम के फ्लेवर से भरपूर और एकदम सॉफ्ट बर्फी बन गई है। ये रेसिपी काफी टाइम कंज्यूमिंग है पर बहुत ही इजी है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।